आज बनाया गया है यहाँ पर, क्या लगता है सर हिंदी की कितनी अहमियत है और कहा जाता है कि भाषा से बढ़कर भावना हिंदी है, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे आज जो हमारा राज्य स्तरीय 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, स्कूलों से भी आए हैं, महाविद्यालय से भी आए हैं, विश्वविद्यालय से भी आए हैं और बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी भी भिन्न भिन्न विभागों के, जिनका अपने अपने विभाग में अपने अपने कार्यों में एक अच्छा योगदान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रहता है, उन सबको आज यहाँ पे सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और एक प्रोत्साहन उनको दिया गया है कि आपको आने वाले समय में प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा को बढ़ाना है। जैसा अभी सभी यहाँ पे बातों सभी लोगों ने भी कहा कि हमारे लिए अभी तक ये दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हिंदी को अभी तक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं हो पाई है, मगर फिर भी इसके लिए प्रयास जारी है और निश्चित तौर से ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य कर सकती है। हम सभी भाषाओं का मान सम्मान करते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो ईस्टर्न भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मराठी है, मगर हिंदी भाषा मैं समझता हूँ कि एक ऐसी भाषा है जो भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज में भी इस्तेमाल की जाती है, अधिकतर राज्यों के सरकारी कार्यक्रमों में जो हमारा ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें इस्तेमाल की जाती है, कोर्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इसके लिए मजबूत प्रयास होने चाहिए भारत सरकार द्वारा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा जो है वो घोषित होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे एक एकता हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ेगी और आज मैंने ये भी आह्वान हमारे सभी साथियों से किया और हम सरकार के माध्यम से भी इस चीज़ को प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हिमाचल में इसको बढ़ाना है और जो हमारे हिमाचल के साथी, बहुत से हमारे साथी हैं जो बहुत अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उनके साथ भी हमें समय समय के ऊपर संपर्क करना चाहिए, ऑनलाइन संपर्क करना चाहिए, उनकी सोसाइटीज़ बननी चाहिए ताकि उनको एक रूप से जो है एम्बेसडर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में उनको देखा जाना चाहिए और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति केवल हिमाचल के सीमाओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, ये जो है देश के और विश्व के कोने कोने में जाकर भी बेशक एक छोटा नंबर है मगर उनके साथ वो उस चीज़ को फैलाएंगे तो निश्चित तौर से उसका फ़ायदा मिलेगा। आज भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने अभी उसका जिक्र भी किया और आज पूरा विश्व भारत को एक अलग रूप से देख रहा है और मैं समझता हूँ कि जो भाषा अलग अलग राज्यों में या अलग अलग मुल्कों में फैलती है उसका हमारी अर्थव्यवस्था के साथ एक गहरा नाता जुड़ा हुआ है। आज अगर अंग्रेज़ी अगर देश भारत के अंदर बोली जाती है तो इतने सालों तक जो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने राज किया उसकी वजह से है, तो हमको भी आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ जहाँ हमारा ट्रेड्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी इकोनॉमी पूरे विश्व में बढ़ रही है, उस तरीके से हमें हिंदी भाषा का जो है प्रचलन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और छोटे छोटे अपने घरों में अपनी रोज़ की भाषा रोज़ के अपने जो है डायलॉग्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए ताकि इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और इसको बनाए रखना, इसको सजोए रखना ये हम सब का दायित्व बनता है। सरकार का तो है ही है मगर सरकार के साथ साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम इसको बढ़ावा दें।